लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। हाय डियर फ्रेंड्स एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग स्किल्स। इन राइटिंग स्किल्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नोटिस राइटिंग। सो नोटिस राइटिंग कितने मार्क्स की है आपकी? 4 नंबर की है, यानी कि टोटल 4 मार्क्स। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये 4 नंबर आपको पूरे लेने हैं, और आप कैसे इसको स्कोर करोगे, तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं इसके अंदर मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम यानी कि फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिलेगा, और उसके बाद आपके कंटेंट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन का आपको 1 मार्क मिलेगा। तो चलिए इसे डिटेल में करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ नोटिस, यानी कि नोटिस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया कि अगर आपकी कहीं कोई मीटिंग हो रही है, ठीक है, या कोई स्कूल से कोई टूर जा रहा है, या फिर कोई सेलिब्रेशन है जैसे कि एनुअल फंक्शन है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, या कोई स्पोर्ट्स मीटिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, ठीक है, या फिर लॉस्ट एंड फाउंड है, या कोई सेमिनार है, या कोई वर्कशॉप है, यानी कि ये सारे के सारे कंटेंट आपके टाइप्स ऑफ नोटिस में आते हैं, यानी कि ये टाइप्स ऑफ नोटिस है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ नोटिस, यानी कि जो मैं आपको बता चुका हूँ मार्किंग स्कीम के हिसाब से, यानी कि 1 नंबर का आपका फॉर्मेट, 2 नंबर का आपका कंटेंट, और आपका 1 मार्क एक्सप्रेशन का है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने पार्ट्स ऑफ नोटिस के अंदर क्या करना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे कि आपकी कंपनी का नाम, ठीक है, या फिर आपके स्कूल का नाम, सबसे पहले आपको ये लिखना है। उसके बाद द वर्ड नोटिस, इसको कैपिटल में लिखना है। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको डेट लिखनी है, फिर हेडिंग यानी कि आपको सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद राइटर का नाम लिखना है, और उसके बाद आपको डेजिग्नेशन लिखनी है, जैसे कि द सेक्रेटरी या हेड बॉय, लाइक दिस। और डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स जो आपको कंटेंट के मिल रहे हैं, वो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। सो दीज आर द 5 शॉर्ट क्वेश्चंस यू हैव टू अप्लाई फॉर द कंटेंट। और 1 मार्क जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग्स का। सो प्लीज डोंट कमिट इवन स्पेलिंग मिस्टेक्स, क्योंकि उसके मार्क्स कटते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नोटिस राइटिंग का एक सबसे अच्छा एग्जांपल, जिससे कि आपके फुल मार्क्स जो 4 नंबर है वो आपको इजीली स्कोर करने में आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट टेल यू अबाउट द क्वेश्चन, हाउ इट विल कम। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राम ऑफ क्लास 12th देव पब्लिक स्कूल ड्राफ्ट a notice for annual function as the cultural secretary। इसमें क्या है कि आपका नाम राम है, आप क्लास 12th के स्टूडेंट है, आपके स्कूल का नाम है देव पब्लिक स्कूल, आपको एक नोटिस लिखना है एज ए कल्चरल सेक्रेटरी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको लिखना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या अपने स्कूल का नाम, तो हमने स्कूल का नाम लिख लिया है देव पब्लिक स्कूल, जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। फिर आपको नोटिस लिखना है कैपिटल में, फिर उसके बाद आपको डेट लिखनी है, मैंने यहाँ पे रफली डेट लिखी है 24th November 2021। फिर उसके बाद आपको लिखना है अपना मेन टॉपिक, इट मींस आपका सब्जेक्ट एनुअल फंक्शन। और डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका जो नोटिस राइटिंग है, आपका जूनियर क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि 6th, 7th में भी है, 8th में भी है, लेकिन ये 9th, 10th, 11th, 12th और आपके ग्रेजुएशन तक काम आता है। तो प्लीज इस फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि आपके फुल मार्क्स आए। तो चलिए आगे करते हैं। आपने ये कंटेंट अच्छे से लर्न करना है, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, आप इधर ये भी लिख सकते हैं इट इज इन्फॉर्म्ड ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इट इज इन्फॉर्म्ड ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं इट इज इन्फॉर्म्ड ऑल द स्टूडेंट्स, या ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। यहां पे मैंने एनुअल फंक्शन को इसलिए अंडरलाइन किया है कि आप अपने टॉपिक को लिखेंगे जो आपका टॉपिक होगा, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, कोई टूर है, या कोई पिकनिक है, या फिर स्पोर्ट्स मीटिंग है, या फिर क्या कहते हैं अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए कोई आपके स्कूल में चैरिटी शो है, ठीक है। तो आप अपने टॉपिक को यहां लिखेंगे ऑन 30th November 2021 बिटवीन 11 AM टू 4 PM, यानी कि देखिए मैंने आपको बताया था क्या हो रहा है,
एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन कब हो रहा है? 30 नवंबर, यानी कि 30 नवंबर को, ठीक है, कब हो रहा है? 11 से लेकर 4 बजे तक, ठीक है, इन द ऑडिटोरियम, यानी कि स्कूल के ऑडिटोरियम में, आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं इन द स्कूल्स मेन हॉल, ठीक है। और दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट के बदले आप टेक पार्ट भी लिख सकते हैं, इन द सेम दे कैन गिव देयर नेम्स अलोंग विद ₹500 बिफोर 28 नवंबर 2021 टू द अंडरसाइन। फिर मैंने आपको बताया था कि यहां पे आपको लिखना है अपना नाम राम क्लास 12, फिर यहां पे अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है, इट मींस क्या है आप, एज ए कल्चरल सेक्रेटरी। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जो नोटिस राइटिंग है ये आपके लिए पूरे 4 मार्क्स की है, जिसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी ध्यान रखना है, और ये सारे कंटेंट मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है अपने स्कूल का नाम कैपिटल में, जैसे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन भी देंगे तो वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर नोटिस आपको कैपिटल में लिखना है, फिर यहां पर नेक्स्ट लाइन में आप डेट लिखेंगे, फिर अपने टॉपिक यानी कि आपके सब्जेक्ट को लिखना है फंक्शन, यानी कि एनुअल फंक्शन, फिर आपने ये फॉर्मेट लर्न करना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन, ठीक है, ऑन 30th नवंबर 2021 बिटवीन 11 AM टू 4 PM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। Those who want to take part or who want to participate in the same, they can give their names along with ₹500 before 28 November 2021 to the undersigned Ram Class 12 Cultural Secretary. So dear friends and dear students, I hope ki aapko ye clear ho gaya hai. So thank you so much for listening to me attentively and carefully and have a nice day.